आज के स्टडी में हम बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है। आज के स्टडी में हम बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशंस को दो कंडीशंस के जरिए सीखने वाले हैं, जिन कंडीशंस को वॉच करने के बाद आपका बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए। फर्स्ट कंडीशन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 लाख रुपीज है। यदि 5 लाख रुपीज को 6% इंटरेस्ट पर हम 45 डेज के लिए सेव करते हैं, तो 45 डेज पर 6% पर हमें 5 लाख का कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी। सेकंड कंडीशन है, यदि हमारे पास 5 लाख रुपीज है और उसे हम यदि 30 डेज के लिए सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल 30 डेज के लिए सेव किया और हमने 30 डेज के बाद उस 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपीज विड्रॉ किए, यदि 2 लाख रुपए हम विड्रॉ करते हैं तो हमारे पास बची हुई अमाउंट कितनी है, 3 लाख रुपीज। यदि 3 लाख रुपए 15 दिन के लिए रहते हैं तो टोटल हमें 45 डे का कितना इंटरेस्ट मिलेगा, दैट मीन्स 5 लाख का 30 दिन का कितना इंटरेस्ट होगा और 3 लाख का 15 डे का हमारा कितना इंटरेस्ट होगा। इन सभी की 45 डेज के लिए प्रॉपर कैलकुलेशन किस तरह होगी, सब कुछ काफी आसान तरह से सीखने वाले, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम 5 लाख का 6% पर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। यदि 5 लाख का 6% हम इंटरेस्ट निकालते हैं, इसकी यदि हम कैलकुलेशंस करते हैं तो ये 30,000 रुपीज होते हैं। दैट मीन्स 5 लाख का 6% यदि हमें ब्याज मिलता है तो 1 साल का हमें 30,000 रुपीज मिलेगा 5 लाख पर। आपका परसेंटेज इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, आप उस हिसाब से इंटरेस्ट ले सकते हैं। देखिए 30,000 रुपये हमें मिला 1 साल का, तो 1 साल में 365 डे होते हैं। देखिए 365 डे हुए तो हमें 1 डे का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो 30,000 को यदि हम 365 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें यहाँ पर 1 डे का इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 डे का हमें इंटरेस्ट मिला 82.19 रुपीज। दैट मीन्स 82 रुपये हमें 1 दिन का इंटरेस्ट यहाँ पर 5 लाख पर मिल रहा है। अब हमें निकालना कितने दिन का है, 45 डे के लिए हमने सेविंग की है, तो 45 डे पर 6% पर 5 लाख का हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 45 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 45 से हम मल्टीप्लाई करते तो 3698.55, दैट मीन्स 3698 रुपीज़ हमें मिलेगा 45 डे का इंटरेस्ट 5 लाख पर 6% पर। देखिए यदि हमने 45 दिन का इंटरेस्ट निकाला 5 लाख का तो हमें 3698 रुपीज़ मिले हैं। अब फॉर एग्जांपल 5 लाख का यदि हम 30 दिन के लिए सेविंग करते हैं और 3 लाख का 15 दिन के लिए, दैट मीन्स 2 लाख रुपए हम विड्रॉ कर लेते हैं, टोटल 45 डे में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए 5 लाख का 6% हमने निकाला था तो पर ईयर का हमें 30,000 मिला था, तो 1 दिन का हमने यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकाला था वो 82 रुपीज़ मिला था। चलिए 82.19 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 दिन में, क्योंकि 5 लाख को हमने 30 दिन के लिए रखा है, तो उस कंडीशन में यदि हम इसे मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई करने पर 2465.75 रुपीज़ होता है। दैट मीन्स 5 लाख रुपीज़ को यदि हम 30 दिन के लिए रखते हैं तो 2465 रुपये हमें यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है। अब 2000 रुपये फॉर एग्जांपल 30 दिन के बाद हमने विड्रॉ कर लिए तो बची हुई अमाउंट कितनी है, 3 लाख रुपीज़। 3 लाख पे यदि हम 6% इंटरेस्ट निकालते हैं तो हमारा इंटरेस्ट आता है 18,000 या 18,000 रुपीज़। देखिए 3 लाख का 6% हमने निकाला तो 18,000 रुपीज़ मिला, जो कि पर ईयर यहाँ पर निकला है, हमें तो 1 दिन का चाहिए तो इसमें 365 से हमें डिवाइड कर देना, क्योंकि 1 साल में 365 डे होते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1 दिन का 3 लाख पर 6% पर हमें 49.31 रुपीज़ मिलने वाले हैं। देखिए 3 लाख का 6% पर 1 दिन में हमें 49 रुपये मिलेंगे, तो यदि हम 15 डे के लिए यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करें तो 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद 739 रुपीज़ हमें मिलेगा इसका इंटरेस्ट 15 डे का। देखिए 30 डेज़ का हमें मिला 2465 और 15 डे का हमें मिला 7
39 रुपीज़, तो हमें इसे ऐड कर देना है। यदि हम इसे ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हमें 45 डे का इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो कि यदि हम इसे कैलकुलेशन करें तो हमें मिलता है 3,205 रुपीज़। तो देखिए, ये हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ चुका है। यदि 5 लाख को 30 डे के लिए डिपॉजिट करते हैं और फिर 2,000 विड्रॉ करने पर 3 लाख बचते हैं, उसे यदि हम 15 दिन के लिए सेव करते हैं तो टोटल 45 डे का हमें इंटरेस्ट मिल चुका है। यदि हम टोटल अमाउंट देखें जो बैंक में हमें मिलेगी, वो 3,03,205 रुपीज़ होगी। देखिए, इस तरह से हमारे पास टोटल अमाउंट जो 45 दिन बाद हमारे बैंक अकाउंट में होगी, और यदि 5 लाख का 45 डे के बाद हम देखें तो टोटल जो हमारे बैंक में अकाउंट अमाउंट होगी वो 5,03,698 रुपीज़ होगी। सो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आप कितनी भी अमाउंट सेव करें, कितनी भी विड्रॉ करें, इस तरह से कैलकुलेशन की जा सकती है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो आज के